हेलो दोस्तों, एक नए ब्लॉग की करते हैं शुरुआत आपके अपने पहाड़ी भाई के साथ। और दोस्तों, अभी जैसा कि मैं खाना खा रहा हूँ, दिन का खाना, अभी हम गांव में ही है और आज हो सकता है कि मेरा लास्ट दिन हो गांव में। कल मैं चला जाऊंगा क्योंकि मुझे 21 तारीख को ड्यूटी पहुंचना है रात को। कल यहाँ से जाऊँगा 20 तारीख को, फिर कोटदार रुकूँगा और 21 को वहाँ से निकल जाऊँगा। शाम तक पहुँच जाऊँगा मैं ड्यूटी के लिए। और अभी यहाँ पे बना है कढ़ी चावल, जो कि कढ़ी चावल खाते खाते दिन के लंच के टाइम पे मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। पीछे जो है हमारा जो बैकग्राउंड देख रहे हो आप, ये अभी मैं हूँ नीचे वाले घर में और ये यहाँ पे कुछ लकड़ी वाला है। अभी जो है नया घर बन रहा है अपना, तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको अपना नया घर बताऊँगा, ठीक है, कि हमारा घर कैसा बन रहा है, पहले कैसा था और अब कैसा बन रहा है। तो अभी हम खाते समय इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं, बाद में खाने के बाद चलेंगे वहाँ पे। और आज रक्षाबंधन है, देखते हैं कौन आता है राखी बांधने के लिए। अभी हम जैसे ही खाना खा के आए थे दोस्तों, तो यहाँ पे सागर में और एक नाम क्या है, प्रियांशु में यहाँ पे पंजा लाने की जो है जंग चल रही है दोनों के बीच, देखते हैं कौन जीतता है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, देखो मैं बताता हूँ। हाँ, सपोर्ट नहीं लगना चाहिए, हाँ ऊपर हाथ, हाथ ऊपर होना चाहिए, ऐसे एक ही हाथ की पावर होनी चाहिए, ठीक है पूरा। चलिए दोस्तों, दोनों में जो है जंग चल रही है कि कौन जीतता है, किस कौन ताकतवर है, कौन है थापला का बॉस। देखिए पहली, उसके बाद अगर इसमें से जो जीत जाएगा उसके बाद वहाँ पे गौतम तैयार है भाई, जो भी खाना खा रहा है। अरे यार, प्रियांशु जीत गया है और सागर आ गया है। अब जो है प्रियांशु की रेस है गौतम के साथ, मतलब जो जंग है वो है गौतम के साथ। गौतम भी खाना खा के अपनी ऊर्जा बढ़ा रहे। अभी जो है देखो हमारी हालत ऐसे हो रही है, और खाना खा के मैं चल दिया हूँ अपने ऊपर वाले घर की तरफ। और आज सुबह से बारिश भी हो रही थी, तो यहाँ पे जो है काफी ज्यादा पानी बहने लगता है हमारे इस वाले घर में, क्योंकि ऐसे पत्थरों वाला है। पीछे से देख लो, हमने पन्नियाँ लगाई है और हम जो है अपने नल के सामने पहुंच गए। देखो पानी तो आज कल वैसे भी बरसात है तो भर के आ रहा है, पानी खुला आ रहा है। अभी मौसम की बात कर लेते हैं तो इधर के लिए पूरा कोहरा लगा है, पूरा इधर के लिए आ रहा है कोहरा पूरा पाली साइड के लिए। अभी हम जो यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं इधर से, तो सामने हमारा घर है, हम पड़ोसी है और यहाँ से अपना घर होता है। देखो तो अपना घर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है और ऊपर देखो आप कितना प्यारा लग रहा है। पहले मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, तो ये जो सीढ़ियाँ थी, और बताता हूँ आपको कि ऐसा भी बताऊँगा आपको कि पहले कैसा था अब कैसा है, ठीक है। तो ये सीढ़ियाँ थी, ये तो यहाँ पे थी, और नीचे के जो कमरे हैं वो ऐसे के ऐसे ही है, जो कमरे हैं वो सारे, एक कमरा, दो कमरा और तीन कमरे, तीन कमरे वो है, एक किचन है। किचन हमने बनाया था नया, किचन कुछ इस तरह से है। और पहले जो है किचन यहाँ से और इतना था, मतलब कि यहाँ पे जो है स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम था, तो यहाँ पे हम खाना वगैरह बना सकते थे। गैस हमारा इधर लगता था यहाँ पे, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो। और यहाँ पे हम चाय वगैरह बनाते थे, खाना बनाते थे, फिर यहाँ से स्लिप हटा के उधर के लिए जो ये दो स्लिप थे वो रख लिए हैं। अब जाके जो है खुला हो गया है, यहाँ पे जो है तीन चार जने जो है खाना भी खा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आराम से खाना बनाने वाला खाना बना भी सकता है, कुछ गर्म भी कर सकता है, यहाँ से खाना परोस भी सकता है, इतनी जगह हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ से अपना घर स्टार्ट होता है, और यहाँ से देखो अभी जो है ये प्रॉपर बन गया है। ऊपर के थोड़ा दरवाजे रह गए हैं, वो अभी कुछ दिन में बन जाएंगे। और रोहन इस पर जो है कलर वगैरह कर रहा है, तो कलर जो है यहीं तक हुआ अभी। और यहाँ पे हमने लाइट ब्लू कलर इस पर चूज़ किया, क्योंकि पहले भी ऐसा था तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि हमने इसको कहाँ से बनवाया और कितना बनवाया और क्यों बनवाया, ठीक है। यहाँ से चल के हमारा एक कमरा था यहाँ पे, जो कि अभी भी दिख रहा है आपको, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो इस कमरे का जो ऊपर छत था, तो वो पूरा निकल रहा था नीचे से, उसकी जो है ये जो कमरा होता है नीचे से, इसकी जो है ये सीमेंट पूरी निकल चुकी थी, क्योंकि ये घर काफ़ी पुराना हो गया था और इसकी सीमेंट पूरी निकल गई थी, सरिये दिखने लग गए थे। जब हम यहाँ पे सोते थे तो हमारे सर पे गिरने का डर रहता था, तो हमने इसको बनवाना सही समझा। एक कारण तो दोस्तों यही था घर को बनाने का, और दूसरा जो कारण था वो था यहाँ, दूसरा कारण ये था कि जो किचन के सामने ये वाला कमरा था, जहाँ पे कि हमारी टीवी वगैरह लगी रहती थी, भाभी और रहते थे यहाँ पे, तो ये जो छत था ये भी पूरा टूट गया था, इसका जो सीमेंट था वो भी पूरा निकल गया था, अब तो ये ऐसा बन चुका है।
तो घर की बात आगे करने से पहले जो है यहाँ पे अभी आपने फाइट देखी थी पंजा लड़ाने की प्रियांशु और सागर के बीच, उसके बाद जो जीता था प्रियांशु जीता था और गौतम यहाँ पे था, ये हाथ ऊपर हाथ ऊपर, और दोनों के दोनों अब यहाँ पे फाइनल राउंड है ये, तो कौन जीतता है देखते हैं। हाथ ऊपर, नीचे गिरना मत गौतम। तो गौतम जीत गया, अभी जीता नहीं, पूरा हुआ नहीं। और गौतम पावरफुल, गौतम जीत गया है। और अब जो है एक और राउंड गौतम के साथ करना चाहता है आकाश। आकाश तो बड़ा है, उससे तो आकाश जीत सकता है उससे। तो ये अपने घर का पहला कमरा है, और ये दूसरा कमरा है वो इसी के जस्ट सामने है। हम यहाँ पे कभी खाना बनाते थे, जब हमारा किचन नहीं बना हुआ था तब हम यहाँ पे खाना बनाते थे। और इसमें अभी सफाई वगैरह नहीं हो रखी है, इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया, क्यों इसमें भी जो है लिपाई वगैरह हो रखी है मिट्टी से, और इसकी हालत अभी यहाँ पे मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है, पेंट वगैरह रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है यहाँ पे। और इसके सामने ही जो है एक कमरा दोस्तों, ये भी है तीसरा कमरा हमारा। तो यहाँ पे जो है ऐसे ही है, यहाँ पे भी सफाई वगैरह नहीं हुई, और इसमें भी हमने चेंजेस नहीं किए। तो नीचे वाले कमरों में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया, जो हमारा किचन था उसमें हमने खाली चेंजेस किया, वो छोटा हो गया था, पहले पत्थरों का था तो दीवार जो है ज़्यादा जगह ले रही थी, उसके बाद जो है हमने उसको थोड़ा सा खिसकाया, ईंटों की दीवार रखी, और उसके बाद उसकी चौड़ाई आप देख सकते हो किस तरह से बढ़ गई है। तो अब वहाँ पर काफ़ी अच्छा हो गया है, और किचन काफ़ी प्यारा बना हुआ है हमारा। जब वो बैठो ताल चाहे तो वो तिल बांधे आ तो वो तो ना बैठे वो नीचे टाइम नीचे चाहे एक बजे बार टाइम हाँ तो खड़ा खड़ा चाहे ऊपर सीढ़ियों की तरफ। तो ये सीढ़ियां तो यहाँ पे कुछ ऐसी थी, थोड़ा सा चेंजेस जो है जब किचन बना तो यहाँ पे चेंजेस हुए थोड़ा सा। छत में आने से पहले यहाँ पे एक चेंजेस हुआ है कि यहाँ पे एक सौरजा प्लेट था वो कि हमने निकाल दिया उसको, और यहाँ से हमारा व्यू देखो काफ़ी प्यारा व्यू दिखता है यहाँ से आगे के लिए। तो सीढ़ियों से दोस्तों जब हम यहाँ पे एंटर करेंगे, सबसे पहले हमारा है ये कमरा ऊपर का, और ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। पहले यहाँ पर सेम ऐसा ही था, लेकिन इसकी कंडीशन थोड़ा पुरानी टाइप की थी, अब इसको रिपेयर कराया तो कुछ इस तरह से यहाँ पे लग रहा है। सीढ़ियों की बात करूँ तो यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं थी, और ये जो पूरा डिजाइन वगैरह किया गया है तो ये मैंने बनवाया था कि इस तरह से होना चाहिए। बात करते हैं इन सीढ़ियों की, तो ये सीढ़ियाँ यहाँ पे थी नहीं दोस्तों, और ये कमरा दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से बना हुआ है, और आप बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा बना हुआ है भाई। बाहर से सबसे पहले हम चेंजेस की बात करते हैं, ये खिड़की यहाँ पे नहीं थी दोस्तों, और यहाँ पे एक स्विच था तो यहाँ से पानी वगैरह टपकता रहता था, और उस टाइम पे सीमेंट वगैरह भी निकल रही थी, तो यहाँ पे हमने स्विच को इधर कर दिया है। और जो यहाँ पे हमारा मीटर वगैरह था वो अभी यहाँ पे नहीं है, उसको अंदर लगाएंगे हम। सीधे एंटर होते हैं इस पहले वाले कमरे में ऊपर के। अभी सामान तो यहाँ पे इस कमरे में ऐसे ही बिखरा हुआ है, लेकिन ये घर जो है ऐसा हो गया, इसकी जो छत है ऐसा हो गया देखो ऐसा। और यहाँ से जो है ये स्लिप तो यहाँ पे थोड़ा सा पतला था, लेकिन उसको भी हमने तोड़वाया, उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया और अभी बड़ी हो गई स्लिप, और इसके ऊपर जगह कम थी तो हमने इन छतों को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया, 2-3 फुट ऊपर किया, तो अब जो है हम पंखे भी लगा सकते हैं। पहले यहाँ पे पंखे के लिए जगह नहीं थी, पंखे हम लगा नहीं सकते थे, तो यही चेंज करवाना था हमने। और जब इनको तोड़ाना ही था तो बढ़ाना तो था ही, क्योंकि अब पंखे भी लगा सकते हैं हम। तो ये देखो कुछ ऐसा है यहाँ का कमरा। दरवाज़ा पहले यहाँ पे था बीच में, और यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे एक टीवी लगाने का स्लिप था वो तोड़वाया, और यहाँ पे एक खिड़की थी वो छोटी सी थी, अब बड़ी खिड़की हो गई है, और एक खिड़की ये भी हो गई है, दोनों तरफ खिड़की और उसके ऊपर रोशनदान। और दोस्तों बाहर की तरफ अगर मैं लाइटों की बात करूं तो एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, आपको पता होगा सामने जो है एमसी बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, और इधर के लिए इस छत पे जो है 3 लाइट लगाई गई है पूरा, जो उजाला करेगी नीचे के लिए, नीचे वाले यहाँ पे हमारे चौक में भी और यहाँ पे भी पूरा,
इधर से दोस्तों जो है अब चलते हैं उधर वाले कमरे की तरफ। उधर वाला छत बनवाया तो यहाँ पे एक बात ये हो गई, थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ मैं, क्योंकि जो यहाँ पे ये है थोड़ा सा ऊपर हो गया, वो वाला छत थोड़ा सा बढ़ गया है, तो यहाँ पे आते जाते समय कोई यहाँ पे टकराए ऐसा हो सकता है यहाँ पे, तो ध्यान से चलना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऊँचा हो गया, ये सीढ़ी सी बन गई। एक चेंजेस ये हुआ कि हम इधर से जब आते थे बाथरूम वगैरह से इधर से, तो हम सट से यहाँ से चढ़ते थे ऊपर, लेकिन अब मैंने इसको क्या किया कि यहाँ से बंद करवा दिया है, ठीक है। यहाँ से जंगली जानवरों का खतरा भी रहता था। एक बार क्या हुआ कि हम यहाँ पे हमारा एक कुत्ता था उसके साथ खेल रहे थे यहाँ से, और बाघ जो है इधर से आया था, इधर से रात को मैं उसके साथ खेल रहा था, और मैं जैसे कमरे के अंदर गया बाघ तुरंत जो है उस पर जो है निगाहें लगा के बैठा था, और जैसे मैं अंदर गया उसने मौका ढूंढा और मौके के साथ उसको ले गया यहाँ से। इस वाले छत को भी जो है थोड़ा सा ऊपर करवाया, दोनों बराबर हो गए छत। अगर हम उसी को तुड़वाते तो ये थोड़ा नीचे हो जाता, लेकिन इसकी कंडीशन सही थी, इस वाले कमरे की कंडीशन सही थी पूरी, तो इसको हमने इसलिए तुड़वाया क्योंकि वो वाला अगर हम तुड़वाते उसको ऊपर उठाते तो ये वाला जो है बराबर नहीं हो पाता, ऊपर नीचे छत जो है बेकार लगती। ऊपर से दिखाऊंगा भी आपको, लेकिन उसी कारण से हमने इसको फिर इसको भी तुड़वाया, दोनों को तुड़वाया। फिर यहाँ पे भी ये खिड़की जो है तुड़वाई, यहाँ पे छोटी खिड़की थी तो अब जो है बड़ी हो गई है। इस कमरे में भी दो बल्ब है, और ये देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक स्विच वहाँ पे, कभी मंदिर मूर्ति वगैरह वहाँ पे बनाए तो वहाँ के लिए भी एक स्विच है। एक बल्ब के लिए मैंने यहाँ पे बोला हुआ है क्योंकि यहाँ से उजाला करेगा, हमारा बाथरूम इधर है तो रात को आते जाते समय उजाला चाहिए यहाँ के लिए, तो एक बल्ब इस साइड भी है। तो जो है नीचे से तो मैंने आपको कमरा दिखा दिया है, नीचे वाले कमरे, ऊपर के कमरे क्या क्या चेंजेस कराए आप लोगों को पता चल गया होगा, हमने ये घर क्यों तोड़वाया, क्यों बनवाया था आपको, कि जो सीढ़ियाँ बनी है वो कैसी बनी है, ऊपर छत जो रेलिंग लगाई गई है जिंगला वो किस तरह से बना हुआ है, काफ़ी प्यारा लग रहा है वो, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। एक सीढ़ियाँ वहाँ से हो गई दोस्तों, और एक सीढ़ियाँ यहाँ से, तो यहाँ से ऊपर के लिए चलते हैं हम। आ गए दोस्तों घर के रूप पे यानी कि छत पे, और यहाँ से व्यू देख लो पहले आप, यहाँ से गाँव कैसा दिखता है, ठीक है, काफ़ी प्यारा। और इसमें जो है रेलिंग वगैरह कराई तो अब जो है ये काफ़ी प्यारा हो गया, और पहले कंडीशन तो काफ़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि पुराना था, ये वाला कमरा पुराना था, उधर वाले तो नहीं थे पुराने ज़्यादा, लेकिन इधर वाला पुराना था, उसकी कंडीशन सही थी। तो आप देखो ये इक्वल है तो बराबर हो गए दोनों। रेलिंग जो है मैंने यहाँ से नहीं, मतलब कोने से नहीं, यहाँ से करवाई, उधर साइड के लिए खाली है, और रेलिंग वगैरह इसलिए कराई क्योंकि जो है आने वाले टाइम पर जैसे हमारा भतीजा आदि तो इधर उधर खेलेगा, हम भी इधर घूम सकते हैं, तो कोई गिरेगा नहीं, इनसे जो है बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसको हमने बनवाया, रेलिंग वगैरह कराई। एक कारण तो ये था, और एक कारण ये था कि यहाँ से घूमने के लिए काफ़ी प्यारा हो गया, जैसे यहाँ से गांव का व्यू दिख रहा है, इधर उधर का व्यू दिख रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। यहाँ से आपको चारों तरफ का व्यू दिखाऊंगा मैं, यहाँ से हमारे इस छत से कैसा लग रहा है। यहाँ से अगर हम अपने कैमरे एंगल को घुमाते हैं तो यहाँ से गाँव दिखेगा, सामने से दिखेगा जो है लैंगर गाँव, और अभी तो ऊपर काफ़ी अच्छा व्यू रखा है, और यहाँ से सामने इधर के लिए पूरा हर तरफ व्यू देखो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, सिवाय इस साइड को छोड़ के, इधर के लिए पूरा व्यू। तो यहाँ से तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया अपना ये छत, बहुत ज़्यादा पसंद आया मेरे को, यहाँ ये किचन और ये छत मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, ये काफ़ी अच्छा लगा हमें बना के। अब हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो गया इस छत से, यहाँ से बैठ के हम यहाँ पे कुर्सी वगैरह लगा के यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी खेल वगैरह भी सकते हैं यहाँ पे, तो अच्छा है यहाँ पे खेलने कूदने के लिए, बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए सही है। और यहाँ हम कुर्सी वगैरह बैठ के यहाँ से इधर उधर नज़ारे भी लगा सकते हैं, व्यू का आनंद ले सकते हैं यहाँ से पूरा। तो जो है यहाँ पे बात हो गई, पूरा रिव्यू तो हो चुका है घर का, अब मैं बताता हूँ आपको कि चेंजेस क्या क्या किए। नीचे वाला जो छत है ये वाला, उसको चेंज कराया, ये सीढ़ियाँ बनवाई हमने अपने घर में, ये जो चेंजेस हुए, इधर की जो रेलिंग थी यहाँ पे बंद कराया, ये वाला पूरा एरिया बंद कराया, बकरी वगैरह आ जाती थी छत में, तो इधर के लिए रेलिंग लगाई इधर के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ घर बना हुआ है दोस्तों अपना, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, हमें तो काफी अच्छा लगा। मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आया यहाँ पे ये वाला किचन और ऊपर का जो रेलिंग वगैरह है वो। तो दोस्तों घर का रिव्यू हो चुका है, उम्मीद करते हैं आपको भी घर अच्छा लगा होगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना ब्लॉग को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।